हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में बताऊंगा एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एनालिसिस ऑफ सिंगल मटेरियल बार विथ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन, लेकिन इस लेक्चर में बताऊंगा कंपोजिट बार के बारे में, जिसमें क्या होता है, दो से ज्यादा मटेरियल हम लोग यूज करके कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं। इसमें हम लोग बताऊंगा पहले डेफिनेशन और उसके बारे में बताऊंगा दो कंडीशन, क्या क्या कंडीशन कंपोजिट बार के, और उसको मैं प्रूफ करूंगा डेरिवेशन के थ्रू। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वन अपॉन ई वन इक्वल्स टू सिग्मा टू अपॉन ई टू, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है इस कंपोजिट बार का। डेफिनेशन कहता है बार इज मेड अप ऑफ टू और मोर बार ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बोल रहा है, इक्वल लेंथ, ठीक है, बट डिफरेंट मटेरियल। क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है तो क्या होता है, इसमें मटेरियल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से लेते हैं, ठीक है, दो तीन चार या कुछ ज़्यादा ले सकते हैं मटेरियल। तो क्या है, इसमें लेंथ इक्वल होता है और मटेरियल डिफरेंट होता है। आर फिक्स्ड बोथ साइड एज ए सिंगल बॉडी, दोनों साइड में फिक्स करते हैं इसको और एज ए सिंगल बॉडी। क्यों, देखिए दो मटेरियल यहाँ पे लिया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ रेड कॉलम से, ठीक है, एज ए सिंगल बॉडी बना दिया गया, ठीक है। एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड मीन्स देखिए फोर्स, जो फोर्स लोड लग रहा है पी, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सियल लोड है, या तो ये टेंसाइल होगा या तो फिर ये कंप्रेसिव होगा, ठीक है। अगर टेंस कंप्रेसिव होता तो क्या डाउन अपवर्ड जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स अलोंग द एक्सिस। एक्सियल लोड मीन्स अलोंग द एक्सिस। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कंपोजिट बार। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब बार इज मेड अप ऑफ टू और मोर बार ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट मटेरियल, आर फिक्स बोथ साइड एज ए सिंगल बॉडी बट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड आइदर टेंसाइल या कंप्रेसिव, जो कहते हैं कंपोजिट बार। इसके दो कंडीशन होते हैं, ठीक है, कंपोजिट बार का दो कंडीशन होता है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो जानते हैं क्या है। सो देर इज टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर, टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मीन्स दो कंडीशन इसके, ठीक है। क्या है कंपोजिट बार का दो कंडीशन है, क्या क्या दो कंडीशन है, चलिए जानते हैं। पहला कंडीशन क्या है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, चाहे वो एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो ईच बार में, वो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स क्या, स्ट्रेन ईच बार इक्वल होगी आपका, स्ट्रेन जो होगा आपका, ठीक है, क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वो क्या होगा, एक हर बार पे इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, एल डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग या तो कंप्रेस करेंगे, ठीक है, या अपवर्ड जाएगा, या तो टेंसाइल डायरेक्शन लगाएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा। बोथ द केस में क्या होगा, दोनों बार क्या है, एक ही पॉइंट से अटैच किया हुआ है। जब भी ये बढ़ेगा या तो लेंथ दोनों साथ में बढ़ेगा दोनों का लेंथ, या दोनों में लेंथ साथ में घटेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है यहाँ पे एक्सटेंशन या कंप्रेशन हर बार में क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन वन इक्वल्स टू स्ट्रेन टू है। ये हो गया था पहला कंडीशन, ठीक है, ये कंपोजिट बार का कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन कंपोजिट बार, जितना भी लोड लग रहा है कंपोजिट बार में, चाहे ये वन हो गया बार, ये टू बार हो गया कंपोजिट बार, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल लोड जो कंपोजिट बार में लग रहा है वो क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ लोड कैरिड बाय इंडिविजुअल मटेरियल। देखिए जो भी लोड लगेगा इस पे, ठीक है, जो ओवरऑल लोड होगा इसका, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोड के बराबर होगा। सपोज कर लीजिए टोटल लोड क्या आपका पी हो गया, तो इसका जो हर बार पे जो लोड लगेगा वो अलग अलग लगेगा, ठीक है। जैसे लेंथ इक्वल होता था, लेकिन लेंथ यहाँ पे इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पे लोड क्या इक्वल नहीं होगा, हर मटेरियल में अलग अलग लोड लगेगा। दैट मीन्स सपोज के लिए पी, ये बार वन हो गया तो इसके लिए पी वन लोड लगेगा, प्लस ये बार टू होगा इसके लिए पी टू लोड लगेगा, ताकि इसको बैलेंस कर सके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इंडिविजुअल लोड लगेगा। अगर यहाँ पे पी टोटल लोड लग रहा है तो सपोज के लिए पी वन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और पी टू यहाँ पे लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए। पी वन और पी टू पी के बराबर हो गया। तो ये दो कंडीशन हो गया आपका कंपोजिट बार का। तो चलिए देखते हैं इसका, इससे पहले जानते हैं इसका कुछ गिवन डाटा कि कैसे कैसे ये डिनोट करता है, क्या क्या वैल्यू इसका इस पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पी हम लोग लेते हैं, क्या पी लिए हम लोग, टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार, दैट मीन दिस पी, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंपोजिट बार, क्योंकि हम लोगों ने लेंथ क्या है कॉमन है, दोनों का लेंथ क्या है आपका, दोनों का लेंथ कॉमन है, दोनों बार का वन और टू बार का क्या है लेंथ कॉमन है, इसलिए हम लोग टोटल लेंथ ले लिए, लेंथ ऑफ ए कंपोजिट बार का, ठीक। ए वन हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार वन, इस बार का एरिया हो गया ए वन, ठीक है। ए टू हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार टू, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार टू का, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ बार वन का अलग हो जाता है, ई वन हो गया आपका, ठीक है, या इस बार वन सेक्शन का, और ई टू हो गया आपका यंग मॉडुलस ऑफ बार टू, तो यहाँ पे हम लोग ई टू ले लेंगे, यंग मॉडुलस टू,
ठीक है। लोड ऑन बार वन पे जो लगेगा हमेशा पी वन फोर्स लगेगा, ठीक है, अलग 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 बार पे अलग अलग लोड लगेगा आपका, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन था उसका। और पी टू लोड लगेगा आपका बार टू पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या होता है इसमें, क्या है, लोड लगा हुआ है दोनों साइड में कंपोजिट बार में। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ द लोड कैरिड बाय इंडिविजुअल या टू बार। तो इसका टोटल लोड क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पे हो जाएगा आपका टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार, ठीक है, दैट इज पी है आपका, ठीक है। तो टोटल लोड पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू, ठीक है। ये पहला कंडीशन था इसका, ठीक है ना, पहला कंडीशन था ये, क्या था, पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू, ठीक। अब देखिए, अब इसमें लोड लग रहा है दैट मीन स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, या तो स्ट्रेस होगा फिर स्ट्रेन भी जनरेट होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस एट बार वन, पहले बार वन पे कितना स्ट्रेस है, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या आपका डिफरेंट है, ए वन हो गया आपका, अलग एरिया बार वन के लिए, तो ए वन हो जाएगा। और लोड आपका क्या हो जाएगा, पहला एरिया ये लोड पी वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोड बार वन पे पी वन लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस आपका क्या हो गया, पहले से पहले बार का, उसी तरह स्ट्रेस आपका सेकेंड बार में भी हो जाएगा, स्ट्रेस एट बार टू, इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा टू इक्वल्स टू पी टू अपॉन ए टू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दो स्ट्रेस हो गया पी वन और पी टू के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन वन, इसको बना लेते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस एट बार वन और स्ट्रेस एट बार टू, ठीक है। अब देखिए इसको, इसको एक और फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सपोज के लिए अगर ये स्ट्रेस है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लोड लोअर वन इक्वल्स टू सिग्मा वन इंटू ए वन, उसी तरह लोड टू को हम लोग लिख सकते हैं पी टू इक्वल्स टू सिग्मा टू और ए टू, है ना। इसको हम लोग क्या किए, लोड के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो ये इसको वन इक्वेशन ही ले लीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो टोटल लोड था P इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू, जो कि इसका पहला कंडीशन था ना, पहला कंडीशन, सॉरी दूसरा कंडीशन डिनोट किए थे, वन ऑफ द कंडीशन है, ठीक है। तो ये P का P1 का वैल्यू और P2 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे P1 और P2 का वैल्यू, ठीक है। तो आपका टोटल लोड जो होगा पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग P1 क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे क्या था, सिग्मा वन इंटू ए वन प्लस सिग्मा टू इंटू ए टू, देखिए यहाँ पे था ना P1 इक्वल्स टू सिग्मा वन ए वन, तो P1 का वैल्यू मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया, और P2 का वैल्यू, ये P2 का वैल्यू क्या है, सिग्मा टू इंटू ए टू, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। ये मास्टर इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है, इसका इक्वेशन को रख लीजिए ए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ब्रैकेट फॉर्म लिख देते हैं, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन ए, ठीक है। क्या किया मैंने, इक्वेशन वन और टू को इक्वेशन ए में पुट कर दिया, तो यहां से आपका आ गया पहला कंडीशन, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल लोड, ठीक है। यहां से आप स्ट्रेस और लोड निकाल सकते हैं। अगला कंडीशन क्या कहता था उसका, कि स्ट्रेन के बारे में, उस केस में क्या था, कभी दो बार अगर रेगुलरली कनेक्टेड एक दूसरे से, तो हर बार का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अगर लेंथ इक्वल होगा डेट मीन स्ट्रेन भी इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला ही होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर लेंथ इक्वल हो गया तो क्या हो गया, आपका स्ट्रेन भी इक्वल हो जाएगा। ये था आपका दूसरा कंडीशन, ठीक है, ये आपका दूसरा कंडीशन था इस बार का। तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले तो क्योंकि ये तो स्ट्रेन का ओरिजिनल फॉर्मूला है, हम लोग यूज करेंगे इसका कन्वर्टेड स्ट्रेन फॉर्मूला। कन्वर्टेड स्ट्रेन फॉर्मूला क्या, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, होता है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई,
ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्टेड स्ट्रेन फार्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वर्टेड स्ट्रेन फार्मूला। अब इस केस में क्या होगा, स्ट्रेन एट बार वन क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है स्ट्रेन एट बार वन, तो आपका ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन इन बार वन, मतलब मटेरियल वन पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा इस लोड के कारण क्या हो जाएगा, एप्सिलेंट वन इक्वल्स टू सिग्मा वन अपॉन ई वन, ठीक है। उसी तरह स्ट्रेन अगर आपका बार टू में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, जनरेट हो जाएगा एप्सिलेंट टू इक्वल्स टू सिग्मा टू अपॉन ई टू, ठीक है। यही फॉर्म आ गया आपका, कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्या हो गया, स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा वन अपॉन ई वन या स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा टू इंटू ई टू इन बार टू में हो जाएगा और ये बार वन में हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या कहता है, स्ट्रेन वन और स्ट्रेन टू क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन अगर स्ट्रेन वन इक्वल्स टू स्ट्रेन टू, ये कंडीशन कहता है आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, सिग्मा वन अपॉन ई वन इक्वल्स टू सिग्मा टू अपॉन ई टू, ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया। यहाँ से क्या होता है, सिग्मा वन अपॉन ई वन इक्वल्स टू सिग्मा टू अपॉन ई टू, यही है कंपोजिट बार का स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज़।